पार्किंग में गाड़ी लगा रहा था। ये मेरी बेटी साक्षी आहूजा, माधवी चोपड़ा और उसके दो बच्चे। हमने कहा तुम अपना प्लेटफॉर्म से अपना गाड़ी के ऊपर पकड़ने के लिए आगे आगे पहुँचो, हम पीछे पीछे आते हैं। जैसे जैसे वो पहुँची वहाँ पर, थोड़ी देर में इसी मेरी बेटी का फ़ोन आ गया, पापा आप जल्दी काटो, गाड़ी को वहीं छोड़ दो जहाँ पर भी खड़े हो, बस गाड़ी मत पार्क करो आप, साक्षी को कुछ हो गया, साक्षी एकदम गिर गई है नीचे, बाकी मुझे कुछ होश नहीं है। फिर उसके बाद मेरे को इतना ही पता है कि उस हादसे में ये हुआ। तो करंट करंट हाँ, बाकी वो करंट लगा हुआ था उसको वहाँ पर, पोल के अंदर भी फिर वहाँ पर गाड़ी नहीं मिल पा रही थी, गाड़ी ना मिलने की वजह से बॉडी ले जाने में समस्या हो रही थी। फिर वो कैसे ना कैसे पब्लिक आई, फिर वो गाड़ी को फिर इंतजाम हुआ वहाँ पर, दो चार लोग आए, फिर बॉडी को उठा के फिर रखा गया उसे। फिर जब यहाँ हॉस्पिटल में लाए, इन्होंने कहा कि इसकी डेथ हो चुकी है। पता नहीं कितने सारे लोगों के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, वो कैसे इसमें से निकल के आ पाते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये सिर्फ न्यूज़ बन के रह जाए, जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। मैं बिल्कुल अपील करना चाहूँगा दिल्ली सरकार से, रेलवे मिनिस्ट्री से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, हर कोई जो भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें कोई एक जिम्मेवार नहीं हो सकता, जिन लोगों का भी योगदान है और जो लोग कार्य कर रहे हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर, खासकर सेफ्टी के ऊपर बहुत ध्यान दें। आपको पता नहीं आप किस इंसान की ज़िंदगी ले सकते हैं, जिसने जिसके लिए जीवन में क्या करें।